नमस्कार, मैं उप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के अलग अलग शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए पथ निर्माण विभाग की तरफ से कई महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन दोनों ही इस काम को करवाने में लगे हुए हैं, जिसके बाद अब उम्मीद यही है कि नए साल में बिहार में 11 महत्वपूर्ण निर्माणाधीन नेशनल हाईवे परियोजनाओं का निर्माण कार्य समय पर पूरा कर लिया जाएगा। जिसके बाद अब समय पर निर्माण कार्य अगर पूरा हो गया तो बिहार में इन परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। इससे में मुख्य रूप से पटना, गया, डोभी, कोइलवर, भोजपुर, बक्सर, महेशखुंट, सहरसा, पूर्णिया, छपरा, हाजीपुर, ओंटा, सिमरिया, नरेनपुर, पूर्णिया, आमस, दरभंगा, कन्हौली, रामनगर और मुंगेर मिर्जा चौकी शामिल है। दोनों के अनुसार इन सभी एनएच परियोजनाओं के अलग अलग पैकेज के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण पूरा हो चुका है। राज्य सरकार की तरफ से निर्माण कार्य पूरा करने में सभी तरह की मदद उपलब्ध करवाई जा रही है। इसको लेकर 11 जनवरी को फिर से पथ निर्माण मंत्री की तरफ से समीक्षा करने की योजना बनाई गई है। इस समीक्षा का मकसद निर्माण कार्य में तेजी लाना है। सूत्रों की माने तो इन सभी परियोजनाओं का निर्माण पूरा करने के लिए मुख्यालय स्तर पर हर महीने मॉनिटरिंग की जा रही है। संबंधित पदाधिकारी सड़क निर्माण की प्रगति रिपोर्ट पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो बिहार में एक दो नहीं बल्कि 11 नेशनल हाईवे इस साल बनकर लोगों के लिए तैयार हो जाएंगे, जिसके बाद बिहार आने वाले और बिहार से बाहर जाने वाले लोगों को सुगम सुविधा मिलेगी। ज्ञात हो, जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली है तब से ही वो लगातार बिहार भर में सड़कों का जाल बिछाने में लगे हुए हैं, ताकि आज से दशकों पहले बिहार की सड़कों की जर्जर हालत एक बार फिर से देखने को ना मिले, जिसका प्रमाण बीते कुछ समय में आपको भी देखने को मिल रहा होगा। वहीं इस साल के अंत तक लोगों को और ज्यादा सड़कों की सौगात मिल जाएगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।